friends, welcome back. Good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video, I will continue subject SPCC of Standard 12. Chapter number 3, Interdepartmental and Employee-Related Correspondence. Dear students, last time जो video shoot किया था उस video के अंदर हमने memo and notice की theories complete की थी. आज हम इस video के अंदर टोटल चार लेटर्स जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं. फर्स्ट लेटर इज अ क्लेरिफिकेशन फॉर रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम अ ड्यूटी विदाउट टेकिंग परमिशन. श्री हर्षिल पटेल नाम का एक पर्सन है, वो सियान केमिकल लिमिटेड कंपनी में जॉब करता है. वो पर्सन विदाउट परमिशन एब्सेंट रहा है कंपनी के अंदर 3 डेज तक. तो कंपनी उससे क्लेरिफिकेशन मांग रही क्या क्यों 3 डेज तक विदाउट एनी परमिशन आप एब्सेंट रहे. तो सियान केमिकल लिमिटेड जो है वो लेटर लिखती है इसको श्री हर्षिल पटेल को. तो सबसे ऊपर टाइटल आ जाएगा सियान केमिकल लिमिटेड, राइट साइड पर जीआईडीसी फेस 2 दहेज तालुको वगैरह डिस्ट्रिक्ट भरूच, डेट आ जाएगी 13 अगस्त 2017. लेफ्ट साइड पर कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नीचे 2 द श्री हर्षिल पटेल पैकिंग डिवीजन में जॉब करता है सियान केमिकल्स लिमिटेड. सब्जेक्ट क्या है, सीकिंग अ क्लेरिफिकेशन फॉर रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट टेकिंग परमिशन. अब परमिशन के बिना क्यों एब्सेंट रहे हो उसके रिलेटेड लेटर है. क्यों मेंशन एब्सेंट कंटिन्यूअसली फॉर 3 डेज फ्रॉम द 10th अगस्त टू 12 अगस्त. आप 3 दिन तक कंटिन्यू एब्सेंट रहे हो 10th अगस्त से 12 अगस्त तक विदाउट एनी परमिशन. Kindly take note that if the cause of your absence is not shown within 7 days, your absence will be treated as a violating of service rules and your salary for this day will be deducted for the remaining absence from duty without taking permission. हमारी कंपनी का रूल से आपको 7 दिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. 7 दिन पहले आप इन्फॉर्म नहीं करते हो और आपसे एब्सेंट रहते हो तो आपने हमारी कंपनी का रूल्स तोड़ा है, ऐसा हम कहते हैं. और आपकी सैलरी भी क्या हो जाएगी, उस दिन की डिडक्ट हो जाएगी आपकी सैलरी में से. तो आगे बताया है, इफ दिस हैपन इन फ्यूचर इट विल बी ट्रीटेड एज अ वायलेटिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड वुड रिजल्ट इन टू ब्रेक ऑफ सर्विस. अगर ये फ्यूचर में हुआ, नेक्स्ट टाइम हुआ, तो हम आपको जॉब में से निकलवा भी सकते हैं और आपको छोड़नी भी पड़ सकती है और आपको जो भी परमानेंट एम्प्लॉइज के बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेंगे. कौन लिखता है लेटर, एचआर मैनेजर सियाल पटेल ऑफ सियाल केमिकल्स लिमिटेड. ये था फर्स्ट लेटर कि कोई एम्प्लॉइज परमिशन के बिना एब्सेंट रहता है तो उसकी वार्निंग कैसे दी जाती है. सेकंड वन इज अ वॉल्यूटरी रिटायरमेंट. जगदीश भावसार नाम का पर्सन है, श्याम इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब करता है और वो वॉल्यूटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है अपनी स्वेच्छा से, खुद विदाउट एनी फोर्स रिटायरमेंट लेना चाहता है. तो जगदीश भावसार लेटर लिखता है इसको द मैनेजर श्याम इंडस्ट्रीज को. जगदीश भावसार मशीन सुपरवाइजर है श्याम इंडस्ट्रीज नरोड़ा अहमदाबाद. उसका मोबाइल नंबर आ गया लेफ्ट साइड पर टू द मैनेजर श्याम इंडस्ट्रीज. सब्जेक्ट क्या है, सैंक्शन एप्लीकेशन फॉर द वॉलंटरी रिटायरमेंट. आई हैव बीन परफॉर्मिंग माय ड्यूटी एज अ मशीन सुपरवाइजर इन योर कंपनी फॉर द लास्ट 10 ईयर. मैं लास्ट 10 साल से मशीन सुपरवाइजर की जॉब आपकी कंपनी में कर रहा हूँ. I am highly satisfied for having spent important year of my career in your company. मैं satisfied हूँ कि मैंने अपने करियर के important years आपकी कंपनी के अंदर spend किए. I want to take a voluntary retirement due to my family and personal reason. मैं अपने personal reason या तो family reason के कारण voluntary retirement लेना चाहता हूँ. As per the condition of services, it is necessary to inform a 3-month prior to voluntary retirement. आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 3 मंथ पहले आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है और मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ 3 मंथ्स बिफोर 3 मंथ्स. आई रिक्वेस्ट यू टू रिलीव
me from my 3 months from the date of this letter. इस लेटर से आप काउंट करके आप 3 महीने के बाद मुझे रिटायरमेंट दीजिए. I request you to issue an order to pay in the accumulated provided fund, gratuity and other benefit due to towards me. जो accumulated fund है, gratuity है, जो कुछ भी मुझे मिलने वाला है या कभी मिल सकता है वो सब कुछ मुझे प्रोवाइड कीजिए. थैंक यू. योर फेथफुल करके नीचे लास्ट में जगदीश भावसार की सिग्नेचर आएगी. ये था सेकंड लेटर. अभी देखते हैं थर्ड लेटर. सेलिब्रेटिंग अ नेशनल फेस्टिवल. एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लेटर लिखती है अपने सारे के सारे एम्प्लॉइज ओल्ड ब्रांच को. ऊपर आ जाएगा एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हेड ऑफिस 2012-205 रंजित चैम्बर स्टेशन रोड जामनगर 5th August 2017 लेफ्ट साइड का कॉन्टेक्ट नंबर 2 द एम्प्लॉइज ऑफ ओल्ड ब्रांचेस. सब्जेक्ट सर्कुलर रिगार्डिंग सेलिब्रेटिंग ऑफ नेशनल फेस्टिवल. फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम द करंट ईयर एवरी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शैल हैव टू सेलिब्रेट 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे एज अ नेशनल फेस्टिवल विद अ व्यू टू अ स्ट्रेंथनिंग अ पैट्रियोटिक फीलिंग्स. यानी कि पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ आपको जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी आपको जो है सेलिब्रेट करना है और ये साल के सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को भी आपको जो है सेलिब्रेट करना है. इट इज़ अ इन्फॉर्म टू ऑल एम्प्लॉयज टू रिमेन प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी. ये ड्यूटी का एक पार्ट है तो आप सबको जो है प्रेजेंट रहना है. योर फेथफुल करके नीचे साइन इन रहेगी. योर सिंसियरली धवल शाह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ऑल ब्रांचेस ऑफ बैंक. ये था थर्ड लेटर. नाउ फोर्थ वन इज सेविंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुजरात बोर्ड है GHSEB गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड. सभी स्कूल के टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को लेटर लिखते हैं कि आप अपने स्कूल के अंदर वाटर का सेव करो और इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग करो. GHSEB सेक्टर 12 गांधीनगर 15 सितंबर को लेटर लिखा गया है टू द ऑल प्रिंसिपल टीचर एंड ऑल स्कूल्स. सब्जेक्ट सर्कुलर रिगार्डिंग सेविंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. टू फेस द प्रोबेबल स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन गुजरात, गुजरात गवर्नमेंट हैज सेंट अ सर्कुलर नंबर 456716 टू ऑल गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. GHSEB ने एक सर्कुलर निकाला है. सर्कुलर नंबर दिया गया है 456716 सभी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कूल के लिए और सेमी गवर्नमेंट स्कूल के लिए. क्या लिखते हैं? वाटर सेव करो, इलेक्ट्रिसिटी सेव करो. फर्स्ट वन इज अवॉइड द यूज ऑफ एयर कंडीशन एक्सेप्ट वेयर देयर आर हाईली नीडेड. अगर जरूरत ना हो तो एयर कंडीशन का यूज ना करो. सेकंड वन इज स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 8 PM टू 6 AM रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ करें. थर्ड वन इज स्विच ऑफ लाइट एंड फैन इन ऑल क्लासरूम एज सून एज अ क्लास ओवर. अगर क्लास ओवर हो जाए तो वो क्लास के लाइट एंड फैंस की स्विच ऑफ रखें. जो वेस्टेज का वाटर का वेस्टेज हो रहा है उसे अवॉइड करो. सभी टैप्स को चेक करो, नल को चेक करो. Get the remit if required. Fifth point is get a coordination from students in the campaigns for preventing the wastage of national assets. National assets का जो wastage हो रहा है उसके according students को coordinate करो, cooperate करो या student को cooperate करो. आप student आपको cooperate करे ऐसा आपको जो है environment create करना चाहिए. Cooperation of all employees group is recommended. सभी एम्प्लॉइज जो है कोऑपरेट करें, हम आपसे ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं और इस सर्कुलर को इम्प्लीमेंट करो ऐसा GHSEB ने बताया. लास्ट में योर फेथफुल करके सेक्रेटरी अजय पटेल GHSEB की साइन आ जाएगी. ये स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. जय माता दी.